किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव बम्बोरा में देर रात्रि एक 42 वर्षीय व्यक्ति गहरे कुएं में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अलवर से टीम बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। थाना अधिकारी गौरव प्रधान व सरपंच फूल सिंह चौधरी ने बताया कि सूचना मिली कि गांव बम्बोरा निवासी लोकेश शर्मा पुत्र गिरिराज शर्मा सूखे कुएं में कूद गया है, जिस पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास किया। कुआं गहरा और सूखा होने से थोड़ा नीचे जाते ही घुटन होने पर कुएं में उतरे ग्रामीणों को बाहर निकालना पड़ा। अलवर से आई रेस्क्यू टीम ने देर रात तक कार्य किया, जिसके बाद ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कल शाम को करीब 6 बजे सरपंच बम्बोरा ने सूचना दी कि गांव का लोकेश पुत्र गिरिराज शर्मा, जो करीब 20 साल से अपने घर से बाहर रह रहा है, वो कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से शायद उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मैंने सचिव मैं पुलिस टीम के साथ में बम्बोरा पहुंचा। वहां देखा तो एक कुआं जो करीब 250 फीट के आसपास गहरा था, काफ़ी गहरा था, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके भाइयों ने बताया कि हमारा छोटा भाई लोकेश है। गांव के लोगों से समझाइश करके जब उसको निकलवाने का प्रयास किया तो कोई व्यक्ति नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। इसकी सूचना SDM साहब को दी गई। SDM साहब ने रेस्क्यू टीम को अलवर से बुलाया, तो करीब 7:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंची। उन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र और ज़्यादा गहराई के कारण नहीं हो पाया। काफ़ी मशक्कत के बाद करीब 10:30 बजे के आसपास डेड बॉडी को निकलवाया गया, जो मृत था। मेडिकल टीम भी वहाँ पहुंची हुई थी, तहसीलदार साहब भी मौके पर थे। उसको निकलवा करके CSC किशनगढ़ की मोर्चरी में उसको रखवाया गया। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजन को सपोर्ट कर दी गई है। परिजनों ने कहा है कि अपने क्रियाकर्म के बाद में फिर ये कर रहे वो रिपोर्ट दी है, तो जैसी रिपोर्ट होगी कार्रवाई।